जोधपुर एसपी के निर्देशन पर जोधपुर के संवेदनशील इलाकों में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च बड़ी ओमती, छोटी ओमती, करमचंद चौक, तुलाराम चौक सहित अनेक मार्गों पर निकाला गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। गौरतलब है कि गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार एक साथ मनाया जाना है। ऐसे में इन त्योहारों को शांति और सद्भाव के साथ मनाने के लिए जोधपुर पुलिस बल के साथ एक फ्लैग मार्च निकाला गया। एडिशनल एसपी जोधपुर का कहना है कि नागरिक शांति के साथ त्यौहार मनाएं, साथ ही असामाजिक तत्व किसी प्रकार का उपद्रव न करें, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। जी मैडम, आज आप ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक फ्लैग मार्च आज निकाली गई है, जिसका उद्देश्य जनसामान्य को ये संदेश देना है कि वह अच्छे से अपने त्यौहार मनाए। पुलिस प्रशासन हमेशा उनके साथ है, और इसके साथ ही जो अवांछित तत्व हैं उनको भी यह संदेश देना है कि वह किसी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि में संलिप्त ना हो, अन्यथा उनके विरुद्ध जो है सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए जो ईद मिलादुन्नबी है और गणेश पर्व भी है, इसलिए ये फ्लैग मार्च जो है निकाला गया है। कहाँ से आप लोगों ने फ्लैग मार्च? आज हमने बड़ी उमती, छोटी उमती, फूटा ताल, गलगला और तुलाराम चौक, करमचंद चौक, नया मोहल्ला, इन सब जगहों से फ्लैग मार्च निकाला है, जो कि सेंसिटिव क्षेत्र हैं, यहाँ पर शांति से और अच्छे से त्यौहार संपादित किए जा सके, इसलिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। कितने बल लगाए हैं इसमें? लगभग हमारे साथ 150 का बल रहा था। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।